नमस्कार दोस्तों, अन्नपूर्णा रसोई चैनल पर मैं एकता आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी स्वीट डिश, जो 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है और ये बहुत ही टेस्टी बनती है। कोई गेस्ट आए तब भी आप ये स्वीट डिश जो है बहुत ही जल्दी बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसका नाम है कस्टर्ड ब्रेड टोस्ट। चलिए फिर हम बनाना शुरू करते हैं, जिसके लिए मैंने आधा लीटर दूध लिया है। अब हम गैस को ऑन कर देंगे और दूध को हम उबाल लेंगे। जब तक दूध उबलता है हम घोल तैयार कर लेते हैं। मैंने एक कप लिया है, उसके अंदर वनीला फ्लेवर वाला मैं कस्टर्ड पाउडर डाल दूंगी और इसके अंदर हम थोड़ा सा दूध डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे घोल के अंदर बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए। लम्स होंगे कस्टर्ड में जो है वो फिर गांठे पड़ जाएंगी, फिर वो ना खाने में अच्छा लगेगा ना देखने में। तो इस बात का ध्यान रखें, लम्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। अच्छे से मिक्स करें। देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है, इसके अंदर बिल्कुल भी लम्स नहीं है। अब हम दूध को चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं दूध के भी उबाल आने वाला है, अभी आया नहीं है। आप देख सकते हैं दूध जो है वो उबल गया है। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा है। अब हम इसके अंदर शुगर डाल देंगे। मीठा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, मैं इसके अंदर 4 चम्मच शुगर डाल रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आप इसके अंदर इलायची पाउडर वगैरह डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, रोज एसेंस डाल सकते हैं, वो आपके टेस्ट के ऊपर है। क्योंकि मैंने वनीला फ्लेवर वाला कस्टर्ड पाउडर लिया है तो मैं कोई भी इसमें एक्स्ट्रा फ्लेवर यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं वनीला फ्लेवर का ही इसे रखूँगी। तो शुगर भी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से घुल गई है। अब कस्टर्ड वाला घोल हम इसके अंदर डालते जाएंगे और गैस का फ्लेम लो रखेंगे और इसे मिक्स करते रहेंगे। फ्रेंड बिल्कुल भी ना छोड़ें, नहीं तो इसके अंदर जो है वो गांठें पड़ जाएंगी, फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो कंटिन्यू चलाते रहें। हमें इसे इसी तरह चलाते हुए 5 से 7 मिनट तक पकाना है, ताकि कस्टर्ड जो है दूध के अंदर अच्छे से पक भी जाए और ये थोड़ा थिक भी हो जाए। तो चलाते रहना है, नहीं तो ये तले पे चिपकने लगेगा, फिर इसकी पपड़ी उतरेगी तो फिर वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो ध्यान रहे कंटिन्यू चलाते रहें और इसे गाढ़ा होने तक पकाते रहें 5 से 7 मिनट के लिए। देखिए मैंने 5 से 7 मिनट इसे पकाया है, ये काफी गाढ़ा हो गया है। गैस को बंद कर देंगे और इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे। अब मैंने एक बाउल लिया है और इसके अंदर मैं डाल दूंगी ये टोस्ट। आप मैंने बिटानिया के टोस्ट लिए हैं, आप कोई भी टोस्ट ले सकते हैं अपनी पसंद के, और ये हम इसके अंदर डाल देंगे। मैंने 5 टोस्ट लिए हैं और अब हम इसके अंदर हल्का गर्म हमारा कस्टर्ड डाल देंगे। आप इसके अंदर काजू बादाम वगैरह भी डाल सकते हैं अगर आप खाना पसंद करते हैं तो। ये बहुत ही टेस्टी है फ्रेंड और बहुत ही जल्दी ये स्वीट डिश बनकर तैयार हो जाती है। कोई गेस्ट आए तो आप इसे बनाएं, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आप एक बार तो इसे ज़रूर बनाइएगा। और अब मैं इसे काजू और पिस्ते की कतरन से डेकोरेट कर दूँगी, जिससे ये दिखने में सुंदर लगेगा और खाने में तो ये बहुत टेस्टी बना है। आप बनाएंगे खाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये रेसिपी कितनी टेस्टी बनती है। तो फ्रेंड एक बार तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा और कमेंट में करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन को भी ज़रूर दबाएं मेरे आने वाली वीडियो को देखने के लिए। मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को भी ज़रूर फॉलो करें और प्लीज़ कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। फिर मिलेंगे हम नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।